जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा शुरू कर रहे हैं लेकिन थोड़ा विलंब से शेड्यूल भी विलंब से हुआ नौ बजे के बदले नौ बजकर पंद्रह मिनट पर शेड्यूल किया गया था लेकिन फिर भी थोड़ी व्यस्तता के कारण ही ऐसा किया गया फिर भी दो चार मिनट और लेट हो गया तो चलिए अब विलंब नहीं है कोई प्रतीक्षा नहीं है आप सभी ने प्रतीक्षा की आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी असुविधा हुई उसके लिए खेद है आगे हम आज के अपने महत्वपूर्ण विषय को ले चलेंगे महर्षि पतंजलि सिद्धियों के विषय में चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हुए जो सिद्धियां हैं वह कौन सी सिद्धियां हैं तो महारि पतंजलि अष्ट सिद्धियों की भी चर्चा करते हैं यद्यपि पूरी अष्ट सिद्धियों का नाम लेकर नहीं लेकिन अष्ट सिद्धियों में जो प्राप्त होता है उन सभी विषयों की चर्चा वह करते हैं लेकिन अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं कैसी हैं उन सब को आज इस व्याख्यान में आज इस सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे वैसे सिद्धियां क्या होती हैं सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं और सिद्धियां हमारे अंदर कैसे विकसित होती हैं इन सभी विषयों पे चर्चा हो चुकी है इन सभी विषयों पे हम चर्चा करते आ रहे हैं संयम से सिद्धि होती है संयम क्या है धारणा ध्यान समाधि ये जो तीन अंतरंग साधनाएं हैं इनको संयम कहते हैं और इन अंतरंग से भी जो परम अंतरंग है वह निर्बीज है निर्बीज अवस्था इन तीनों से भी अधिक अंतरंग है और निर्बीज के लिए ये तीनों बहिरंग हो जाते हैं धारणा ध्यान समाधि तो धारणा ध्यान समाधि इन तीनों को एक साथ संयम कहा जाता है जब किसी विषय का संयम किया जाता है तो पहले उस पर धारणा फिर उसका ध्यान होता है और फिर संपूर्ण एक रूपता उस वस्तु के साथ स्थापित हो जाती है या उस तत्व के साथ हो जाती है जब एक रूपता उस तत्व के साथ स्थापित हो जाती है तो उस तत्व का जो धर्म है उस तत्व की जो शक्ति है वो योगी में आ जाती है उस तत्व के ऊपर जो नियंत्रण है योगी का नियंत्रण उस तत्व पे आ जाता है जैसे अगर अग्नि का संयम किया जाए तो अग्नि पे नियंत्रण आ जाएगा पानी का संयम किया जाए तो पानी पे नियंत्रण आ जाएगा तो यह जो नियंत्रण आने की प्रक्रिया है यह संयम है और संयम होने से सिद्धि होती है संयम होने से सिद्धि होती है यही सिद्धि का विज्ञान सिद्धि हमें कोई देता नहीं है या सिद्धि कोई प्रकट नहीं होती है कि सिद्धि कोई प्रकट हो जाए ठीक है कि भाई सिद्धि देवी प्रकट हो जाएंगी हमारे सामने और हमें सिद्धि हाँ कहीं पर ऐसा लिखा हो या आप किसी ऐसे गुरु जी को जानते हों या आप उनके शिष्य हों कैसे जो ऐसा कहते हो कि भाई सिद्धियां तुम्हारे सामने प्रकट होंगी ठीक है और बोलेंगे कि हाँ मैं ये सिद्धि हूं मैं वो सिद्धि हूं अब मैं तुम्हें प्राप्त हो रही हूँ नहीं सिद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है अगर यही सिद्धियों का कॉन्सेप्ट क्या है सिद्धियों के पीछे सिद्धियों की फिलोसफी क्या है ये हमें समझना है सिद्धियों की फिलोसफी यही है कि सिद्धियां विकसित होती हैं सिद्धियां कुछ भी नहीं है सिद्धियां आपके साधना की परिपक्वता है आपकी साधना जब परिपक्व हो जाती है तो सिद्धियां अपने आप विकसित हो जाती हैं जैसे कि आप वजन उठाने का अभ्यास करोगे तो आप 20 किलो वजन उठाने का अभ्यास करो तो आप 25 किलो उठा पाओगे इसी तरह से अगर आपका शरीर सुदृढ़ है खान पान बहुत अच्छा है तो आप 100 के जी का वजन भी उठा लोगे रिकॉर्ड भी बना सकते हो जैसे वेट लिफ्टिंग का जो स्पोर्ट्समैन होते हैं खान पान अच्छा है और शरीर का कुछ ऐसा ढांचा बना है सपोर्ट करता है आपको शारीरिक संरचना हर व्यक्ति कई बार हो सकता है खान पान अच्छा हो लेकिन शारीरिक संरचना व्यक्ति की वैसी ना हो हो पाए वो हर कार्य के लिए नहीं फिट हो पाता है तो अगर हो पाता है तो आप भी बहुत सारे अभ्यास के द्वारा कर सकते हो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे दिस कंप्लीट वर्ल्ड इज लाइक ए जिमनाजियम वी ऑल केम हियर टू अस स्ट्रांग ये पूरा जो क्योंकि तो स्वामी विवेकानंद जी व्यायाम भी करते थे साधना भी करते थे गायन बाजन भी कर लिया करते थे गाना बजाना भी संगीत का भी उनको ज्ञान था और व्यायाम भी करते थे तो वो कहते थे कि सारी दुनिया जिम्नाजियम है जिम जिम की तरह है जिम में हम किस लिए जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं ये पूरा वर्ल्ड को ही उन्होंने जिमनेजियम के फॉर्म में देखा है हम सब यहां पर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आए हैं इसलिए कर्म करो अभ्यास करो हमेशा कर्मवान बने रहो खाली मत बैठो मीमांसा शास्त्र का यही उपदेश है जो लोग फिलॉसफी का कोर्स कर रहे हैं उन्होंने मीमांसा के बारे में सुना होगा मीमांसा यही कहती है कि अपने आप को कर्म परायण रखो कर्मों से ही तुम बहुत सारी चीजें बदल सकते हो कर्मों से तुम अपने दुखों का नाश कर सकते हो कर्मों से ही तुम्हें सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं प्रारब्ध रूप में या जिस भी हैं तो कर्म ही इसलिए कर्मों का तूफान खड़ा करो कर्मवान हमेशा बने रहो तो शुभ कर्म और साधना कर्म की परिपक्वता होने से सिद्धि होती है तो कर्मों की परिपक्वता से सिद्धि होती है तो हम जितनी अब एक जिम्नाजियम है जहां पर आप अपनी फिजिकल बॉडी को मजबूत करते हो लेकिन योग योग साधना या ध्यान योग यहां भी एक्सरसाइज होती है आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है अपने मन को फोकस करना होता है सही से कई बाधाएं आती हैं कई तूफान आते हैं कई विचार आते हैं और इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमारे मन को फिर से गिराते हैं फिर से मन को पकड़ो फिर से लगाओ साधना में लगे रहो और ऐसे अभ्यास करते 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 ही परिपक्वता आएगी मैच्योरिटी आएगी और जब आप परिपक्वता आएगी तभी सिद्धि होगी यही सिद्धियों का विज्ञान है ठीक है कोई झटके में आपको सिद्धि दे देगा कोई ऐसे आपको वो करके दे देगा तो सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं वैसे उसकी चर्चा भी योग सूत्र में आगे मिलेगी महर्षि पतंजलि छोड़ने वाले नहीं है सारे कॉन्सेप्ट इस विषय में क्लियर करेंगे इसलिए वो आगे कई प्रकार की सिद्धियों की रासायनिक सिद्धियां होती हैं तांत्रिक सिद्धियां होती हैं लेकिन उन सिद्धियों में और योग सिद्धि ये बताना जरूरी है क्योंकि योग सिद्धियों में निर्भरता नहीं होती परतंत्रता नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि आपकी अपनी ही चेतना विकसित हो जाती है आप अपने आप को ही मजबूत कर लेते हो ठीक है आप अपने आप को इतना विकसित कर लेते हो कि आपके साथ प्रकृति के सारे रहस्य आपके सामने खुलने शुरू हो जाते हैं ठीक है तो सिद्धि का कॉन्सेप्ट समझिए मैं पीछे भी बोल चुका हूं अभी भी बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कई बार लोग सुनते हैं और मुझसे जैसे कि ये पूछते हैं कि भाई आपको सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं प्राप्त क्या कोई गिफ्ट मिल जाएगा मुझे या कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जी नहीं सिद्धियां हमारे साधना की परिपक्वता है और जब वो आती हैं तो बड़े सामान्य रूप से आते हैं जिनको प्राप्त होती हैं उनके अंदर कोई प्रतिक्रिया पैदा नहीं करती हैं उनको बड़ी नॉर्मल सी बात लगती है सही बताऊं थोड़ी सी भी सिद्धियों का अनुभव हो गया ना तो आपको पता चल जाएगा कि जब सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो जिसको प्राप्त होती हैं उनको बड़ा सामान्य सा महसूस होता है ठीक है उनको कुछ भी विशेष महसूस नहीं हो रहा होता जिनको प्राप्त होती है उनको कुछ भी इसमें विशेष महसूस नहीं हो रहा होता है उनको बड़ा सामान्य सा फील होता है नॉर्मल फील होता है क्यों अब जैसे एक संगीतकार है एक म्यूजिशियन है कीबोर्ड प्लेयर है गिटार प्लेयर है आप देखो वो कैसे कैसा म्यूजिक निकाल देगा हमारे हमें आश्चर्य लगता है लेकिन उसके उसको आश्चर्य नहीं लगता क्यों नहीं लगता क्योंकि उसको पता है कि मैंने दो तीन साल मेहनत की है इसके पीछे और धीरे धीरे करते 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 मेरा इतना कंट्रोल आया है कि दूसरों को देखकर आश्चर्य होता है दूसरों को देखकर आश्चर्य होता है मैं आपको यह बात बता दूं जब सिद्धियां आती हैं योग सिद्धि में भी यह चीज है जब आपके पास सिद्धियां आएंगी तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि आपको अचानक से तो नहीं आ गई ना यह चीज धीरे धीरे आती है ठीक है तो जब अब मैं ये बात किस कैसे कह सकता हूं कि आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि कुछ अनुभव है खुद का भी तभी बोल रहा हूं कई बार लोग चैलेंज करते रहते हैं कि भाई आपको अनुभव है कि नहीं है ठीक है तो जब भी सिद्धि आपके पास आएगी आपके लिए बड़ी ही सामान्य सी बात होगी आपके लिए बड़ी ही कॉमन सी बात होगी ठीक है हाँ, दूसरों को आश्चर्यचकित कर सकती है दूसरा अगर कहीं से भी संपर्क बन जाए किसी व्यक्ति के साथ तो वो आश्चर्यचकित हो सकते कि भाई ये कैसे हो रहा है ठीक है लेकिन ये बड़ी सामान्य सी होती है क्योंकि साधना करते करते आती है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती ऐसा नहीं कि सिद्धि किसी के पास आ गई है तो प्रकृति के सिद्धांत ही बदल देगा जी नहीं जो उसके वश में है प्रकृति के माध्यम से उसे प्राप्त हुआ है प्रकृति ने ही उसको दिया है एक तरह से तो so, प्रकृति उस उसी सिस्टम में ही वो कुछ भी कर पाते हैं तो so, उसी सिस्टम में कर पाते हैं उन्हीं के सामने प्रकृति अपना रहस्य प्रकट करती है जो इसके योग्य होते हैं उन्हीं के सामने प्रकृति अपना रहस्य प्रकट करती है जो इसके योग्य होते हैं जिनकी वैसी साधना होती है अन्यथा ऐसे रहस्य हर व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होते हैं ठीक कई रहस्य ऐसे होते हैं तो मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं कि उन लोगों का कुछ अनुभव है मेरे साथ तो वो सोचते हैं कि भाई इनको ये बातें कैसे पता चली या ये कैसे इन बातों को समझते या जानते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि प्रकृति रहस्य प्रकट करती है ध्यान की अवस्था में कई चीजें तो ये सारी चीजें करते करते धीरे धीरे हो जाया करती हैं होने लग जाती हैं सिद्धियां ऐसी भी नहीं है कि जबरदस्ती आप दौड़ोगे तो आपके पास आ जाएंगे नहीं कोई सोचे कि मैं खूब साधना करता हूं दस दस घंटे बीस बीस घंटे बैठता हूं मेरे पास सिद्धियां जल्दी आ जाएंगी ऐसा कुछ भी नहीं इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि शनै शनै नियमित रूप से अभ्यास में लगे रहो जो स्टेशन जब आना है आएगा अपना अभ्यास मत छोड़ो ये नहीं कि लग गए लोभ लालच में आकर कि मुझे सिद्धि मिल जाएगी और खूब साधना कर ली और करने के बाद खूब रगड़ने के बाद कुछ ना हुआ तो सब सुख कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए ऐसी साधना से कोई लाभ नहीं होगा धैर्यपूर्वक शांति की परम शांति की प्राप्ति हेतु कैवल्य की प्राप्ति हेतु सही उद्देश्य से सही नियत से साधना करेंगे तभी जाकर कुछ अच्छी चीजें प्राप्त हो सकती और यह सब परिपक्व जबरदस्ती कुछ नहीं होता ये ध्यान रखिएगा सही नियत से शांत होने के लिए कैवल्य की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान के लिए निज स्वरूप के लिए अगर साधना करोगे तो काफी चीजें मिलेंगी सिद्धियों के लिए साधना करोगे तो मन भटकता रहेगा मन भटकता रहेगा और सिद्धि विद्धि कुछ आएगी भी नहीं ये भी ध्यान रख लेना तो ये गहराई से बहुत सारी बातें हालांकि ये बात महर्षि पतंजलि भी समझा देंगे विभूति बात खत्म करते करते वो सारी बात समझा देंगे कि भैया इतनी बातें जो मैंने लिखी है सिद्धियों की ये मत सोच लेना कि आप लक्ष्य लेकर चलोगे कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है योग सिद्धि हाँ वो भूत प्रेत की सिद्धि निषिद्ध सिद्धियां जिनको बोलते हैं रासायनिक सिद्धियां जिनको बोलते हैं वो अलग चीज है लेकिन योग सिद्धि अगर आप योग साधना अगर आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए करोगे तो कभी नहीं पहुंच पाओगे सिद्धियों तक अगर कैवल्य के लिए करोगे सिद्धियों से आगे का लक्ष्य रखोगे तो सिद्धियों तक तो पहुंचोगे ही चिंता करने की जरूरत नहीं ठीक तो ये ध्यान रखिएगा तो जबरदस्ती कुछ नहीं मिलता जी हां जबरदस्ती कुछ नहीं मिलता लेकिन कुछ नहीं करने से भी कुछ नहीं मिलता जबरदस्ती भी कुछ नहीं मिलता और कुछ नहीं करने से भी अगर कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा कबीर साहब की एक वाणी आती है बहुत सुंदर माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए ठीक है ये साधना का नियम है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए अरे तुम सौ घड़ा सींच लो चाहे दो सौ घड़ा सींच लो ऋतु आने पर ही फल होगा तुम सौ घड़ा सींच लो चाहे दो सौ घड़ा सींच लो ऋतु आने पर ही फल होगा यह ध्यान रखना लेकिन अगर सींचना ही बंद कर दोगे तो क्या ऋतु आने पे भी फल होगा वो भी नहीं होगा फिर तो यहां पर अगर मैंने कहा कि जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं करने से भी कुछ नहीं होता यह भी ध्यान में रखना है कहने का मतलब धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। यही चीज भगवान कृष्ण छठे अध्याय में भगवत गीता में समझा रहे हैं श्रीमद भगवद गीता भी योग शास्त्र है जो परीक्षार्थी हैं योग के विषय देते हैं पतंजलि योग सूत्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ गीता ही है उसमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं योग संबंधी प्रश्न गीता में भक्ति संबंधी भी तत्व है कर्म संबंधी भी तत्व है, लेकिन योग से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ है शने शने भगवान कृष्ण ने कहा है साधना को बढ़ाने की साधना को अपनी आदत बनाओ मैंने पहले भी बोला है जो लोग ध्यान योग कर रहे हैं हैबिट में होनी चाहिए जैसे कि बिना सोए नहीं रह सकते हो बिना खाए नहीं रह सकते हो वैसे बिना ध्यान में बैठे हुए ना रह पाओ ऐसी स्थिति बन जानी चाहिए मन की ऐसी स्थिति मन की बन जानी चाहिए तब हो सकता है कि कुछ हो जाएगा नहीं तो एक टाइम पर खूब ताकत लगा दिए और फिर बाद में टाए टाए फुस हो गए कुछ किया ही नहीं भाई सिद्धियां तो मिलती नहीं मैंने खूब करके देख लिया कुछ नहीं मिलता तो कभी कुछ मिलेगा भी नहीं ऐसी सोच वालों के लिए ऐसी सोच वालों के लिए कभी कुछ मिलेगा भी नहीं तो पानी चाहे सौ घड़ा सींच लो दो सौ घड़ा सींच लो फल तो वृक्ष ऋतु आने पर जब उसका टाइम होगा तभी वो फल देगा जब वो परिपक्व होगा मैच्योर होगा तभी तो फल देगा ना भाई तुम्हारे सौ घड़ा दो सौ घड़ा से क्या हो जाएगा लेकिन अगर सींचना ही बंद कर दोगे अब देख लो दूसरी अवस्था क्या है कि सींच भाई सींचो ही मत ऋतु आएगा तो फल होगा अपने आप नहीं सींचना पड़ेगा सींचना भी पड़ेगा लेकिन अगर यह सोच लोगे कि जबरदस्ती सींचते रहेंगे खूब तो फल जल्दी आ जाएगा ऐसी कोई बात नहीं ऐसी कोई बात नहीं है इसीलिए साधना का उद्देश्य कभी भी सिद्धि नहीं होनी चाहिए सिद्धि नहीं होनी चाहिए लेकिन सिद्धि आएगी भी यह भी निश्चित है इसको इग्नोर नहीं कर सकते जैसे कि भोजन का उद्देश्य होना चाहिए शरीर का पोषण स्वाद नहीं स्वाद के चक्कर में हम धोखा भी खा सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत ऐसी चीज हम खा ले जो स्वादिष्ट तो है लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचाए ठीक है लेकिन स्वाद आता तो है खाओगे कुछ भी खाओगे स्वाद तो आएगा नहीं आने का प्रश्न नहीं है वैसे सिद्धियां आती हैं इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन सिद्धियों का उद्देश्य परम शांति पर यह नहीं सिद्धियों सिद्धियां हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए परम शांति को प्राप्त करना कैवल्य को प्राप्त करना निज स्वरूप का ज्ञान होना आत्मज्ञान होना यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए महर्षि पतंजलि भी आगे इन बातों को समझाएंगे चलिए हम आगे चलते हैं समझते हैं आज के विषय को तो आगे के सूत्रों में महर्षि पतंजलि किन सिद्धियों की चर्चा कर रहे हैं यह हम देखेंगे और पंचभूतों से संबंधित सिद्धियां अणिमा आदि सिद्धियों की चर्चा पहले हो चुकी और लघिमा सिद्धि की चर्चा कल हमने कर ली हल्कापन महसूस होता है तो हल्का होकर योगी उड़ सकता है इतना बहुत रुई की तरह हल्का हो जाएगा उसका शरीर और वो वायु में गमन कर सकता है आकाश में गमन कर सकता है ऐसी सिद्धियों को योगी प्राप्त कर लिया करता है आगे वो अन्य सिद्धियों के बारे में लिख रहे हैं आगे कौन से सिद्धियों के बारे में लिख रहे हैं अब हम उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो महर्षि पतंजलि क्या सूत्र कहता है अनिमा आदि सिद्धियों की चर्चा अनिमा का अर्थ क्या होता है अणु के समान लघिमा का अर्थ होता है हल्का गरिमा गरिमा भी अष्ट सिद्धियों में आती है तो गरिमा का अर्थ होता है भारी हो जाना ठीक है तो इस तरह से फिर विशाल हो जाना शरीर का बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लेना शरीर हमारा विशाल रूप धारण कर ले ऐसी सिद्धियां भी होती हैं ठीक तो तैतालीसवें सूत्र में कल हमने तैतालीसवें सूत्र तक देखा था आज चौवालीसवां पैंतालीसवां सैंतालीसवां सूत्रों पर हम आगे बढ़ेंगे तो महर्षि पतंजलि इन्हीं सूत्रों की व्याख्या करते हुए आ, हमें समझा रहे हैं तो स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थ वत्व संयमाद भूत जय स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व स्थूल सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद भूतजय स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व इन पांच रूपों में संयम करने से पंच भूतों पर वश में आ जाता है और इस सिद्धि को कहते हैं वशित्व अष्ट सिद्धियों में एक सिद्धि है वशित्व तो ऐसी सिद्धि किसी भी भूत के अगर जल है तो जल का जो स्थूल रूप है उसका जो स्वरूप है उसका जो सूक्ष्म रूप है उसका जो अन्वय है और उसका जो अर्थवत्व है इन पांचों रूपों में संयम कर लेने से पंचभूतों में पंचभूत जो है ये पांचों के पांचों रूप जो हैं योगी के वश में आ जाते हैं ठीक है उनमें पृथ्वी आदि शब्द आदि के विशेष कार्य होते हैं महर्षि व्यास कहते हैं कि समान आकार आदि धर्मों वाले होने से स्थूल शब्द कहे गए हैं यहां पर स्थूल शब्द का जो प्रयोग हुआ है स्थूल वस्तुओं के लिए हुआ है ठीक दूसरा रूप उनका अपना सामान्य है भूमि का स्वरूप मूर्त है मूर्ति है जल का स्वरूप चिकनापन है उष्णता अग्नि का स्वरूप है वहनशीलता वायु का स्वरूप है सर्वत्र प्राप्त होना आकाश का स्वरूप है तो उनके स्वरूप का संयम करते हैं उनके स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म और अर्थ पर वो संयम करने से वो किसी भी मान लो कि जल तत्व तो है तो जल का स्वरूप क्या है चिकनापन उस उसकी धारणा करेंगे उसका संयम कर लेंगे उसके स्थूल रूप का संयम कर लेंगे फिर तो उसके अर्थ का संयम कर लेंगे इस तरह से उनके पांचों गुणों पर संयम कर कर वह जल के ऊपर अपना नियंत्रण ले आएंगे अग्नि के ऊपर अपना नियंत्रण ले आएंगे तो इस तरह से पंचभूतों पर वह नियंत्रण लाते हैं और इस सिद्धि को अष्ट सिद्धि में वशित्व के रूप से जाना जाता है आठ सिद्धियां जो हैं उनमें वशित्व के रूप से जाना जाता है ठीक अगले सूत्र में तिमादि प्रादुर्भाव काय संपत दर्माण विदाश्च घात उन भूतों के जय करने से अनिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति ततो अनिमा आदि प्रादुर्भाव अर्थात अनिमा आदि सिद्धियों का प्रादुर्भाव इसके बाद होता है पंचभूतों पर नियंत्रण जब आ जाता है योगी का भूतों पर जब कंट्रोल हो जाता है पंचभूतों पर जब नियंत्रण आ जाता है तो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है काय संपत्त संपत् धर्मान घातश उन भूतों की जय करने से अनिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति और शरीर संपत्ति और उन भूतों के धर्मों से योगी का बाध न होना सिद्ध होता है वो पंचभूतों के बंधन में नहीं रहते फिर अर्थात सर्वभूत योगी के अनुकूल हो जाते हैं जितने भी पंचभूत हैं वो सभी के सभी योगी के अनुकूल हो जाते हैं और उसे अणिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है वो अपने शरीर को अणिमा अर्थात अणु के समान बना सकता है महिमा विशाल कर सकता है ठीक है तो अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं? अनिमा सिद्धि है नंबर वन पे महिमा सिद्धि है गरिमा सिद्धि है लघिमा सिद्धि है प्राप्ति प्राकाम्य वशित्व और इशित्व ये अष्ट सिद्धियां कही गई हैं अनिमा, महिमा गरिमा लघिमा अनिमा क्या है कि अपने आप को अणु के समान छोटा रूप धारण कर लेना जैसे हनुमान जी मशक रूप धारण मच्छर के समान रूप धारण कर लंका में प्रवेश कर रहे थे लंकनी ने देख लिया ठीक है तो अनिमा छोटा से छोटा रूप अणु के समान भी रूप बना लेना इसे अनिमा सिद्धि कहते हैं महिमा ठीक इसके विपरीत अपने महिमा मतलब विशालता जैसे कि हनुमान जी लघु रूप थे लेकिन विशाल हो गए इसलिए उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बोलते हैं तो अष्ट सिद्धि की हम चर्चा सुन रहे हैं तो अनिमा महिमा गरिमा गरिमा मतलब भारी अपना वजन बढ़ा लेना शरीर का वजन बहुत कर लेना लघिमा हल्का रूई की तरह हल्का हो जाना लघिमा मतलब हमने पीछे लघिमा सिद्धि पे चर्चा कर लिए लघिमा मतलब रूई की तरह हल्का हो जाना फिर प्राप्ति किसी भी वस्तु को इच्छा मात्र से प्राप्त कर लेना प्राप्ति सिद्धि आ जाती है प्राकाम्य साधक किसी के मन की बात सरलता से समझ लेता है और अपनी कामनाओं की पूर्ति भी सरलता से कर लेता है प्राकाम्य ईशत्व ईशत्व मतलब सृष्टि करने की शक्ति वो चाहे जिसको ईशत्व सिद्धि प्राप्त हो गई वो चाहे तो मरे हुए में प्राण फूंक दे ठीक ना वो चाहे तो नई जीव को पैदा कर दे आगे महर्षि पतंजलि इस बारे में बताने वाले हैं कैसे योगी चाहता है तो वो अपने ही अपने ही चित्त को डिवाइड कर, कर दूसरा जीव निर्माण कर सकता है ये योगी का सामर्थ्य है दूसरा जीव बना सकता है योगी चाहे तो लोग पूछते हैं ना कि भाई हमें हमारा कब से हमारा चल रहा है ये जन्म मरण का चक्कर पहली बार हम कब जन्म लिए थे तो कौन से योनी में थे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं भाई इसका कोई उत्तर नहीं है कि पहली बार आपका किस योनी में जन्म हुआ था हो सकता है किसी योगी ने अपने ही अपने ही चित्त को डिवाइड कर, कर आपको एक नया जीव बना दिया हो क्योंकि यह सब प्रकृति के अंतर्गत होता है अब प्रकृति पैदा कर सकती है अनेकों जीवों को यहां तक भी मान्य है यह एक रहस्यमय विषय है और एक अलग विषय है सिद्धियों से हटकर विषय है यहां तक मान्य है कि प्राकृतिक रूप से भी प्राकृतिक रूप से भी ऐसा होता है कि कई बार एक जीवात्मा दो भाग में बढ़ जाती है और दो जीव हो जाते हैं जैसे बाइनरी डिवीजन होता है बैक्टीरिया के अंदर ऐसा भी होता है अब आप बोलोगे क्या ऐसा कोई उदाहरण है जी हां ऐसा उदाहरण भी है बता दे उदाहरण बहुत सारे बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जिनके अभी भी एक ऐसा उदाहरण है पंजाब के अंदर सोहन मोहन नाम के दो लड़के हैं उनके कमर के नीचे एक शरीर है ऊपर में दो शरीर दो सिर है खाने का मुंह दो अलग अलग है दोनों को अलग अलग स्वाद आता है ऐसा भी हो जाता है कि दो प्राकृतिक जीवात्माएं जो है वो डिवाइड हो जाती हैं और दो बाट में दो अलग अलग जिंदगी जीना शुरू कर देती हैं आजकल ये ट्विन फ्रेम वाले भी कुछ ऐसी बातें बताते हैं ठीक है लेकिन जिन जो योग मार्गी हैं जिनको मोक्ष चाहिए जिनको कैवल्य चाहिए वो उस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं वो व्यर्थ का ट्विन फ्रेम ढूंढते नहीं फिरते कि कहां से कोई मुझे ऐसा मिल जाए कि जो मेरे लिए सब कुछ कर देगा ठीक है नहीं अपना कर्म करते जाओ जिसको मिलना है वो मिलता रहेगा अपना कर्म तो करो लेकिन बहुत कंफ्यूज होकर बहुत तरह के इसलिए अपने ज्ञान के दायरों को जब हम बढ़ाते हैं अगर मिल भी गया तो रास्ता तो मोक्ष ही है ऐसा नहीं कि मिल जाएगा तो कोई मोक्ष हो जाएगा इस चक्कर में इसलिए फिर से ये चक्कर भी फंसने वाला है आसक्तिपूर्ण हो सकता है अगर आसक्तिपूर्ण हुआ तो आप फिर से फंस गए इसी माया में अंत तो होगा ही नहीं इसका दुखी तो रहोगे ही रहोगे तो इसीलिए इन सब विषयों से हमें अलग होकर चलना चाहिए और योग मार्ग कैवल्य के रास्ते पर चलना चाहिए तो महर्षि पतंजलि इस बात को तो कहते हैं योगी चाहे तो अपने ही चित्त को दो भाग में बांटकर एक नए जीव का निर्माण कर दे ऐसा भी संभव है चलिए ये बाद में हम इसको और अच्छे से समझेंगे इस विषय को तो अभी महर्षि हम देख रहे हैं अष्ट सिद्धियां अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशत्व और वसित्व वशित्व, वशित्व सिद्धि प्राप्त होने से व्यक्ति किसी भी वस्तु को अपना दास बना सकता है किसी भी व्यक्ति को अपना दास बना सकता है वो आपने सुना होगा संत ज्ञान देव की कथा ठीक ना कि संत ज्ञानेश्वर जो थे और उनकी बहन मुक्ताबाई निवृत्तिनाथ ये लोग जो थे एक तांत्रिक था उस समय कहते हैं कि एक तांत्रिक था उसने उनको चुनौती दी कि ठीक है भाई मैं अपनी सिद्धियों से आ, के साथ आऊंगा तुम आओ और हम दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होगा देखते हैं शास्त्रार्थ भी होगा शक्ति प्रदर्शन भी होगा देखते हैं किसके पास ज्यादा शक्ति है चांददेव नाम था उसका बताते हैं मैंने जैसा सुना है तो वो कहते हैं कि वो शेर पर सवार हो गया और उसने नाग नाग सर्प को लिया उसका चाबुक बना लिया मतलब कि वो शेरों को अपने कंट्रोल में कर सकता था वो चाबुक को अपने कंट्रोल में कर सकता था ऐसी कथा आती है तो संत ज्ञानेश्वर जो थे वो दीवार के ऊपर बैठे हुए थे अब दीवार तो निर्जीव चीज है उसने शेर पे कंट्रोल कर लिया और सर्प पे कंट्रोल कर लिया जीवों पे कंट्रोल कर लिया और संत ज्ञानेश्वर जो थे वो दीवार पर बैठे थे उन्होंने दीवार से कहा कि तू चल और दीवार ही चल पड़ी कहते हैं एक बार भैंसे से गायत्री मंत्र बुलवा लिया उन्होंने तो योगी इसे कहते हैं योग बल निर्जीव वस्तु को भी अपने वश में सजीव का तो छोड़ दो सजीव वस्तु को तो वो तो भूत प्रेत की विद्या से भी कंट्रोल में कर लोगे और चांगदेव जो था वो वैसा ही था संभवतः उस तांत्रिक का नाम चांगदेव ही था तो संत ज्ञानेश्वर उन्होंने कहा कि भाई तू दीवार को बोल दिया दीवार चल पड़ी वहां से और जब चांददेव ने देखा कि भाई ये दीवार पर मैं तो सजीव वस्तुओं को नियंत्रण में करता हूं निर्जीव को नियंत्रण में नहीं कर सकता निर्जीव वस्तुओं को मैं अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता हूं लेकिन इन्होंने तो निर्जीव को अपने कंट्रोल में ले लिया वो वहीं पे हार मान गया आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो वशित्व योगियों के अंदर सजीव निर्जीव किसी भी वस्तु को अपने वश में कर लेने की क्षमता आ जाती है लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे ही करते हुए नहीं घूमते कि इसको वश में कर लेते उसको वश में कर लेते हैं ठीक है वैसे ऐसे ही नहीं घूमते फिरते कि किसी को भी हम वश में कर लेते नहीं जहां जितनी आवश्यकता है उतना ही कर्म करते हैं तो ये सिद्धि यह ये वशित्व सिद्धि है जिसको महर्षि जो कि अष्ट सिद्धियों की श्रृंखला में आता है तो अष्ट सिद्धियां हैं अणिमा है महिमा है गरिमा है लगिमा है प्राप्ति है प्राकाम्य है इशित्व है वशित्व है यह अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं अणिमा मतलब नाम से ही क्लियर है अनिमा मतलब अणु के समान हो जाना छोटा हो जाना महिमा मतलब विशाल हो जाना ठीक है गरिमा मतलब बहुत भारी हो जाना अपने वजन को बहुत बढ़ा लेना और लघिमा मतलब बहुत हल्का हो जाना रूई के समान हल्का हो जाना जो कल के हमने उसमें चर्चा हमने की है प्राप्ति मतलब कुछ भी प्राप्त करने की संभावना और शक्ति प्राकाम में मतलब किसी के मन की बात जान लेना किसी की कामना को जान लेना और साथ ही साथ अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लेना इच्छा मात्र से प्राकाम में लेकिन ऐसे सिद्धियों को प्राप्त करने वाले योगी की कामनाएं भी नहीं होती हैं में फिर ईशत्व मतलब सृष्टि करने की क्षमता जीव तक को निर्माण कर दे सकता है वो मरे में प्राण फूक सकता है वो ईशत्व कहते हैं इसको मतलब ईश्वर के समान हो गया वो सृष्टिकर्ता के समान हो गया वो ईशत्व और वशित्व कुछ भी वश में कर सकता है सजीव निर्जीव किसी भी वस्तु को वो वश में कर सकता है ठीक है तो वर्ष में कर लेने की क्षमता ये अष्ट सिद्धियां इनको हम बोलते हैं अष्ट सिद्धियां ये अष्ट सिद्धियां हैं ठीक है तो ये अष्ट सिद्धियां और महर्षि पतंजलि इन दो सूत्रों में जो हमने देखा वो यही समझा रहे हैं पहले पंचभूतों पर निर्णय फिर कहते हैं कि पंचभूत के निर्णय होने के बाद तत्व अणिमा आदिर प्रादुर्भाव उसके बाद अणिमा आदि सिद्धियां भी योगी के अंदर आती हैं मतलब अष्ट सिद्धियां योगी में आ जाया करती हैं तो वो क्या है अणिमा नंबर वन पे है अणिमा है महिमा है गरिमा है लघिमा है प्राप्ति है प्राकाम्य है ईशत्व है वशत्व है ये अष्ट सिद्धियों के नाम हैं जो परीक्षार्थी हैं ये रट लें इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं इनको एग्जाम देना है इन सिद्धियों के नाम रटे हुए होने चाहिए उनको तो चलिए ये सारी चीजें इसमें आती हैं तो रूप फिर आगे महर्षि पतंजलि छियालीसवें सूत्र में कहते हैं रूप लावण्य बल वज्र सहनि काय संपत सुंदरता कांतिमान अतिशय बल वज्र के समान अक्षेद होना यह भूत जयी योगी के शारीरिक ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं कि एक तो देखो जब उसके पास सिद्धियां आ जाएंगी तो क्या आ जाएगा सुंदरता आएगी कांतिमान कांति उसके चेहरे पर दिखाई देगी शांति शांत होगा वो सुंदरता आ जाएगी कांतिमान आ जाएगा और बल तो उसके पास होगा ही होगा तो इस तरह के गुण भी उसके अंदर आ जाते हैं बाहर से भी उसके अंदर वैसे देखिए साधना आप करेंगे अच्छे से आप साधना करेंगे बहुत बढ़िया से आप साधना करेंगे खेचरी का भी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे अगर खेचरी मुद्रा का भी बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं और ध्यान की कई विधियां ध्यान योग में जिन्होंने कोर्स किया है उन्होंने किया है अगर आप करेंगे अच्छे से तो व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं इसमें कोई संशय नहीं है आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे आएंगे सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस सही ढंग से अगर साधना हो तो और बहुत सारे विषय समझ में भी आने शुरू हो जाएंगे और आपकी मन की शक्ति भी बढ़नी शुरू हो जाएगी मन की शक्तियां वो बहुत कुछ कर भी सकती है आप बहुत सारे समस्याएं को सॉल्व भी कर सकते हैं अपनी एकाग्रता शक्ति अपनी साधना से ही कर सकते हैं लेकिन रेगुलर साधना में बने रहना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद जी इस विषय में एक बात लिखते हैं अपने राजयोग में कि जो सिद्धियों का अनुभव है छोटी मोटी सिद्धियां होती भी हैं कि नहीं होती हैं छ महीना मात्र छ महीना रेगुलर डेली तीन घंटे साधना कर लो तीन घंटे ध्यान योग का अभ्यास आप तीन घंटे तक करो चाहे दो बार में करो चाहे एक सेटिंग में ही तीन घंटे बैठ जाओ नहीं तो ढाई घंटे कर लो कम से कम छह महीना तक एक भी दिन नागा ना हो और छह महीने आपके ढाई घंटे की साधना डेली हो तो आपको बहुत दिव्य अनुभूतियां होनी शुरू हो जाएंगी थोड़ी बहुत सिद्धियों का भी प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाएगा ये स्वामी विवेकानंद जी की बात है लेकिन मैंने पहले ही कह दिया एक बात ध्यान रखिएगा कि सिद्धियों के लोभ में साधना करने से सफलता मिलती ही नहीं है जब तक निज स्वरूप को जानने की सच्ची इच्छा नहीं होगी जब तक आत्मज्ञान को प्राप्त करने की सच्ची इच्छा नहीं होगी जिसको विविदिशा कहते हैं वो नहीं होगी तीव्र इच्छा नहीं होगी कि मुझे निज स्वरूप को जानना है मुझे प्रकृति के सारे रहस्य जानने हैं मुझे शक्ति प्राप्त करनी है सिद्धि प्राप्त करनी है दुनिया पर राज करना है इस तरह की महत्वाकांक्षाएं लेकर जो साधना करते हैं वो पतन को प्राप्त होते हैं लेकिन जैसे ही महत्वाकांक्षा खत्म हो जाती है विश्वामित्र के साथ यही ऋषि विश्वामित्र जब तक वशिष्ठ जी को हराने की इच्छा लेकर तपस्या करते रहे जब तक उनको नीचा दिखाने की तपस्या की मुझे उनसे भी ज्यादा शक्तियाँ चाहिए तब तक असफल होते रहे असफल होते रहे लेकिन जब सिद्धियों की सारी कामना और वशिष्ठ जी को जीतने की कामना खत्म हो गई और वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर गिर गए कहा कि मेरे अंदर से अब खत्म हो गया कि मुझे आपको आपके ऊपर विजय प्राप्त करना है उस दिन विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि हो गए श्री रामचंद्र जी के गुरु बनने का सौभाग्य उन्हीं को विशेष रूप से प्राप्त हुआ उन्होंने ही श्री रामचंद्र जी को मार्ग दिखाया सेम अवतारी पुरुष के मार्गदर्शक बन गए कि किस दिशा में जाना है तुम्हें क्या कर्म करना है ठीक है उनका विवाह भी करवाया उन्होंने फिर विश्वामित्र जी ने तो जब व्यक्ति सही लक्ष्य रखता है तो बहुत चीजें उसे प्राप्त होती हैं आत्मज्ञान का लक्ष्य हो समाधि का लक्ष्य हो कैवल्य का लक्ष्य हो तो योगी को बहुत सारी चीजें उसे जीवन में आनी शुरू हो जाती है वो खुद भी जान पाता है और दूसरों के कल्याण हेतु दूसरों को भी जना पाता है ठीक है तो सही उद्देश्य का होना जरूरी है सही नियत का होना जरूरी है ठीक नहीं तो कृष्ण सब कुछ कर सकते थे कृष्ण सिद्धि ऐश्वर्य संपन्न थे इन आठ सिद्धियों को ही ऐश्वर्य कहते हैं इन अष्ट सिद्धियों को ही ऐश्वर्य कहते हैं जो कि एक भग है छह भगों में एक भग है ऐश्वर्य और यह ऐश्वर्य भग है किसी के पास ऐश्वर्य होने से वो भगवान होता है इसलिए विश्वामित्र जी के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है गुरु वशिष्ठ और अगस्त मुनि के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है उपनिषदों को पढ़ेंगे प्रश्न उपनिषद में ऋषि पिपलाद को उनके शिष्य भगवान कहकर संबोधित करते हैं ठीक है तो भगवान यह मत सोचना कि मात्र राम और कृष्ण ही भगवान थे या जो कुछ अवतारी हुए थे वही भगवान थे नहीं जिन्होंने ऐश्वर्य को प्राप्त किया था अपने योग बल को प्राप्त किया था वो भगवान थे जिनके पास ऐसा योग बल था तो इस तरह से उनको ऐसे भगवान भी कहा गया तो यह सब हमें तो ये ऐश्वर्य है ये ऐश्वर्य की प्राप्ति है लेकिन महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है उसका उद्देश्य भगवान से ऊपर की अवस्था है भगवान बन जाने के बाद भी कुछ है वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं ठीक है थीक्या? भगवान बन जाने के बाद भी कुछ है तो क्या है कुछ वो हम योग सूत्र में देखेंगे और देख ही रहे हैं तो कैवल्य क्या लक्ष्य हो योग का लक्ष्य हो तब जाकर ये ये सारे ऐश्वर्य योगी को प्राप्त हो जाते हैं महर्षि पतंजलि यहां पर इसका वर्णन करते हुए लिख रहे हैं तो तो ग्रहण स्वरूप अस्मि सैतालीव सैतालीसवें सूत्र में कहते हैं ग्रहण स्वरूप अस्मि ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व इन पांच में संयम करने से योगी को इंद्रिय जय सिद्धि प्राप्त होती ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व इन पांचों में संयम करने से योगी को इंद्रिय जय सिद्धि प्राप्त होती है संपूर्ण इंद्रियां उसके वश में होती हैं। इंद्रियां अपनी चंचलता को रोक देती है ठीक है अपनी चंचलता को रोक देती है अब एक प्रश्न लोग मुझसे भी कर सकते हैं मुझसे भी कई लोग प्रश्न करते हैं कि आपके पास आपने सिद्धि कल ही कुछ ही दिन पहले किया था तो मैं कह दूं मेरे पास ऐसी कोई सिद्धि विद्धि नहीं है लेकिन मुझे ऐसे कुछ अनुभव हैं क्योंकि फिर आप ये बोल लोगे कि भाई अपने सिद्धि को दिखाओ तो दिखाने की चीज नहीं होती है तो मेरे साधना का कुछ ऐसा अनुभव है कि मुझे भी पूरा विश्वास है ये सिद्धियां भी होती हैं ठीक है ऐसी अनुभूति है हां कई लोग पहले भी कुछ लोगों की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अब ठीक है व्यक्तिगत बात है इसको भी अभी मैं रहने देता हूं तो कभी बाद में आप व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ठीक है तो ऐसी चीजें हो, होती हैं कई बार तो ये समझने का विषय है हम सहित कई चीजें क्या होती हैं देखो मैं कितना भी कह दूं आपको मैं कितना भी यहां पर आपको बोल लूं कि गुड़ का स्वाद मीठा होता है गुड़ का स्वाद मीठा होता है क्या मेरे बोलने से स्वाद आ जाएगा क्या नहीं आएगा ना खाओगे तभी स्वाद आएगा तो जब तक खुद साधना नहीं करोगे जब तक खुद ध्यान योग नहीं करोगे तब तक बोलना बोलना सिर्फ बोलना ही रह जाता है इसीलिए बस आपको प्रेरणा देने के लिए बोला जा रहा है आपको समझ में आए बात इसलिए कहा जा रहा है कि हां और ईमानदारी से साधना करे आदमी सही लक्ष्य लेकर साधना करे उसे परम शांति को प्राप्त करना हो उसे कैवल्य को प्राप्त करना हो तो वो सिद्धियों का अनुभव भी कर लेता है बहुत समय लग जाता है ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है कि बहुत समय लग जाता है तो यह सब इसी जन्म में हो जाएगा सिद्धियों का अनुभव अगर ईमानदारी से साधना कर ले स्वामी तो विवेकानंद जी तो कहते हैं मात्र छह महीने में ही होना शुरू हो सकता है मात्र छह महीने में ही हो सकता है ठीक है तो इसलिए हमें साधना पर ध्यान देने की जरूरत है ध्यान योग पर ध्यान देने की जरूरत है तो निश्चय ही बहुत सारी अनुभूतियां आएंगी उन अनुभूतियों में बहुत सारी चीजें होती है। तो यह हमें समझ कर चलने की आवश्यकता ठीक है सब कुछ अपने आप फिर होता है तो ये विषय था सैतालीसवें सूत्र तक हमने देख लिया आज बयालीसवें सैतालीसवें सूत्र तक कल से हम आगे चलेंगे अब ज्यादा सूत्र इसमें बचे नहीं है मुश्किल से छः सात सूत्र और होंगे पचपनवें सूत्र तक शायद होगा इसमें तो हम वहाँ तक देखेंगे और फिर कैवल्यपाद शुरू हो जाएगा कैवल्यपाद पर हम चर्चा फिर शुरू कर देंगे तो आगे महर्षि पतंजलि आखिरी सूत्रों में बहुत गंभीर बातें करने वाले हैं बहुत गंभीर गंभीर बातें और सिद्धियों की सही समझ वो आपको देने वाले हैं सिद्धियाँ कैसे काम करती हैं और यह किस तरह की चीज़ होती हैं ये सब समझाने वाले हैं देने वाले हैं ठीक है तो चलिए हम जो हैं आगे बढ़ते हैं और समय हो गया है तो आपके कमेंट्स को जो लोग ध्यान योग देखो जो लोग ध्यान योग ज्वाइन करना चाहते हैं वो 20 नवंबर से कोर्स ऑनलाइन शुरू हो रहा है और आप इसको आप ज्वाइन कर लीजिए ठीक है बीस नवंबर से शुरू इसकी डिटेल्स आपको चाहिए आप मुझे मैसेज कर दीजिए कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं लेकिन मैंने उनको डिटेल अभी सेंड नहीं किया है मैं कर दूंगा थोड़ी सी कुछ व्यस्तता से गुजर रहा हूं इसलिए नहीं किया है लेकिन डिटेल अगर आपने मैसेज किया है तो आपको डिटेल सेंड हो जाएगा एक दो दिन के अंदर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी ध्यान योग या प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में भी जिन्होंने ध्यान योग ऑलरेडी कर रखा है उनको नेचुरोपैथी का कोर्स करना है प्राकृतिक चिकित्सा का तो ज्वाइन कर लीजिए आप ठीक है आपके पास तो डिटेल्स मोटा मोटी हो रहता ही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन जो नए लोग हैं अगर वो मैसेज करते हैं तो उनको डिटेल्स दिए जाएंगे अगर आपने डिटेल्स मांगा है तो आपको मिलेगा उसकी चिंता ना करें अगर दो तीन दिन में नहीं मिलता है तो दोबारा से आप मैसेज कीजिए फिर अगर दो दिन तीन दिन में नहीं मिलता है दोबारा मैसेज कीजिए तो फिर आप स्मरण भी दिला देंगे लेकिन हम उनका नंबर ध्यान में रखते हैं और उनको डिटेल्स भेज देते हैं तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है तो ध्यान योग का कोर्स वैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा का यह कोर्स आगे बढ़ेगा तो 20 नवंबर से आप इसको भी ज़रूर इसका लाभ उठाइए आने वाले समय में दोनों को हम एक बार एक वीडियो में ज़रूर समझाएंगे कि क्या चीज़ है क्या लाभ है चलिए राजूपाल जी बहुत अभिनंदन है जगत नारायण जी लखेंद्र राम जी पंकज सोनी जी विक्रम सिंह जी बिमला शाह जी राजेंद्र चौहान जी उषा श्रीवास्तव जी अबनी प्रधान जी अमन कक्कर जी घनश्याम सरोदे जितेंद्र साहू विनोद सूद रम राम लखन राजपूत धनराज सिंह राजपूत जी अजय नागरे रुपेश सिंह राजपूत रतन सिंह जलाराम राइका केशव सिंह सूर्यवंशी कमलेश खैरनर विष्णुचंद्र मौर्या जयंती भाई पटेल रामविलास जी प्रशांत सेठ शेखर मराठा पवन कुमार गुप्ता शिखर शिखर शर्मा श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन है रूपलाल विश्वकर्मा सृजनी महंता गोविंद प्रसाद नीमा भीखू कुचाड़िया कन्हई कुमार जी श्वेता कुमारी ए त्यागी अर्जन भाई चौहान नवज्योति नाथ जी पांडुरंग वराले जस्ट प्रोग्रामिंग बिसलाल बहादुर सिंह जबर सिंह जी आशा रानी जी बबीता धीमान जी राकेश गुप्ता अनिमा गुप्ता हीरा लाल यादव सतीश कुमार जी अमित सिंह सूर्यवंशी सृजनी महंता एम के पी डी सृजनी महंता हरीश जंगवाल उत्कर्ष तिवारी अवधेश कुमार संजय नारायण वाघ बहुत अभिनंदन है कैलाश बड़े यदि दिन रात साधना होने लगी तो पूरा देहता आदत में कितने दिन में खत्म हो सकता है गुरु जी दिन रात क्या साधना करोगे उस अवस्था में पहुंच पाए कि दिन रात ही हम ध्यान की अवस्था बनी रहे तो वो अचानक से नहीं हो पाएगी वो तो काफ़ी अभ्यास के बाद ऐसी अवस्था बननी शुरू होगी जिसको हम कहेंगे तुरी अवस्था तुरी अवस्था होने से व्यक्ति उस तुरिया में कई बार जागने होने के बाद भी तुरिया में रहता है खुली आँखों से भी कई बार तुरिया में रहता है तब जाकर वास्तविक साक्षी भाव आता है दृष्टा भाव आता है तो उस अवस्था को बनाए रखने के लिए काफ़ी साधना करने के बाद संभव हो पाता है काशीनाथ जी दिगंबर सिंह राजपूत अमन मनन जी अद्भुत अष्ट सिद्धि अद्भुत प्रवचन जय होश महर्षि हाँ कैलाश बड़े जी साधना करता हूँ लेकिन क्रोध कम नहीं होता अच्छे से करिए धीरे धीरे जरूर फर्क पड़ेगा अचानक से नहीं लेकिन फर्क पड़ेगा शेखर मराठा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ बहुत बहुत आपका भी आभार है शेखर मराठा जी तो चलिए क्योंकि आप भी सुनकर कमेंट कर कर कहीं ना कहीं इन सब सनातन धर्म को और सनातन धर्म दर्शन को आप बढ़ावा देते हैं उसके प्रचार को बढ़ावा देते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत आभार है इसी के साथ आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं 9 पीएम लाइव चर्चा में